इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक साथ कई हवाई हमले करके हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार दिया है। उसके साथ हिजबुल्ला के कई कमांडर भी मारे गए। ये सभी बंकर में थे, लेकिन आईडीएफ ने उनके ऊपर करीब 10 टन के बंकर रोधी बम गिराए जिसमें ये सभी मारे गए। लेकिन नसरल्लाह की मौत के बाद से हिजबुल्ला इसराइल से बदला लेने की आग में जल रहा है, और इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया। दरअसल हिजबुल्ला ने वेस्ट बैंक के करीब एक सेटलमेंट पर मिसाइल दागी जो कि अलकुद्स के पास स्थित है। इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें ये ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा है, और इस ब्लास्ट के बाद माले अदुमिम सेटलमेंट में रात करीब 10:05 पर हवाई हमलों के सायरन बजने लगते हैं। इलाके से सटे अन्य सेटलमेंट्स में भी एयर रेड के सायरन बज उठे। हालांकि हमले के बाद कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें इजरायली अधिकारी घटनास्थल पर नुकसान का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के लॉन्ग रेंज हमलों को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो इस तरह के हमलों को लेकर चुप्पी साध लेती है। हालांकि हालिया हमलों को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला के हमले में अलकुद्स के पास एक बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है। जबकि पास के सेटलमेंट्स में बिजली गुल हो गई। यही नहीं, कुछ मीडिया हाउस ने यह भी कहा है कि हिजबुल्ला के हमलों में आईडीएफ के माले अदुमिम बेस को भारी नुकसान हुआ है। वहीं लेबनानी मीडिया का कहना है कि इस हमले में मिस्बे हगीब जो माले अदुमिम के करीब है उसे भी नुकसान हुआ है। और बड़ी बात यह है कि इस हमले के करीब एक घंटे बाद तटवर्तीय शहर नहारिया में भी हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। पहले तो माना गया कि यह हिजबुल्ला के रॉकेट या मिसाइल है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक ड्रोन हमला था और हिजबुल्ला के कुछ ड्रोन्स इस इलाके में आकर फटे भी। हालांकि इनसे कितना नुकसान हुआ है इस बात पर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।